कुलदीप जी बताइए, बहुत सारी शिकायतें हुई हैं चुनाव आयोग में, किस तरह की गड़बड़ियां हो रही हैं लगातार, और भारतीय जनता पार्टी ने उनको कितनी सख्ती से लिया, कुल कितनी शिकायतें कर चुके हैं अभी तक आप? हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के डीजीपी और मुख्य सचिव के खिलाफ शिकायत की थी कि उनको हटाया जाए, और तमाम जिलों के डीएम एसपी और अन्य छोटे अधिकारियों का भी शिकायत थी। ये लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ पक्षपात करते थे, पार्टी की गाड़ियों को रोकना, समाजवादी पार्टी के दबाव में काम करना, ऐसी शिकायतें थी। हमने अपने कार्यकर्ताओं के इनपुट के आधार पर शिकायत की। लगभग 50 अधिकारी हटाए जा चुके हैं और पार्टी इसको गंभीरता से ली। इसके लिए वेंकैया नायडू जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त तथा टीम से भेंट की थी। मैंने खुद आगरा और लखनऊ में पूर्ण पीठ से मुलाकात कर इस मामले में। 50 अधिकारी हटाए जा चुके हैं, 50 के लगभग अधिकारी आई है, स्पीसीएस हटाए जाए। तो आपको लगता है कि जो अभी सपा की सरकार है वो बेजा फायदा उठा रही है अपनी? पूर्ण रूपेण इसका फायदा उठा रही है। कई अधिकारी जैसे एडीएम कुंज बिहारी अग्रवाल जी थे, वो नरेश अग्रवाल जी का पैर छूते थे हरदोई में, जिन्हें अभी हाल ही में हटाया गया। इसके अलावा कुछ ऐसी भी शिकायतें थी जो जाति और धर्म के आधार पर वोट मांगने की थी, उसकी भी हम लोगों ने की थी और उन पर कार्रवाई किया। लेकिन ये मुख्य सचिव और डीजीपी वाली शिकायत तो आपकी नहीं सुनी गई त्रिपाठी जी? एक्चुअली डीजीपी और मुख्य सचिव की शिकायत हम लोगों ने की थी और वो शिकायत अभी भी बरकरार है, लेकिन जो नीचे के स्तर पे अधिकारियों के वजह से ये गड़बड़ियां हो रही थी उनमें काफी लोगों को हटाया गया है और काफी लोग इस पे काम करने को तैयार। कितनी टीम आपके साथ काम कर रही चुनाव आयोग पे निगरानी रखने के लिए? हम लोगों की यहाँ पे 11 लोगों की टीम है, क्षेत्रों में 11-11 लोगों की अलग टीम है और हर जिले में 5 लोग। ये प्रशासनिक टीम है भारतीय जनता पार्टी की। इलाहाबाद में एक सेंटर है जो लखनऊ के अलावा है और सारे प्रदेश का काम है। तो ये कुलदीप पति त्रिपाठी जी हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनाव आयोग पर निगरानी रखने का जिम्मा सौंपा गया है, और 50 से अधिक अधिकारी ये कह रहे हैं इनकी शिकायत की वजह से बदले गए। महत्वपूर्ण बात यह कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और यहाँ पर अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी की सरकार है, और हम देख सकते हैं कि चुनाव आयोग कितना महत्वपूर्ण लगातार चुनावों में होता जा रहा है, और चुनाव आयोग को लेकर लगातार जो बात हुई है कि इस तरह उसने अच्छा किया है, खर्चों पर अंकुश लगाया है, बहुत सारी नियंत्रण भी आए हैं चुनाव में जिस तरह की गड़बड़ियाँ होती थी। लेकिन एक गड़बड़ी ये भी सामने आई है कि किस तरीके से शासन प्रशासन का इस्तेमाल होता है चुनाव में अपना फायदा उठाने के लिए। ये काम सभी पार्टियाँ कर रही हैं। कुलदीप जी से हमने भारतीय जनता पार्टी के बारे में बात की, कोशिश करेंगे और पार्टी ने चुनाव आयोग को लेकर किस तरह की नीति अपनाई है उसको भी जानें।